हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एमकेएम के सरबरा फारूक सत्तार की मर्दम शुमारी के अमल पर कड़ी तनकीद, कहा मर्दम शुमारी में आदमखोरी की गई। कराची की आबादी को आधा कर दिया गया, आज गिनती कम की गई, कल हमारा पानी भी कम कर दिया जाएगा। फारूक सत्तार ने मर्दम शुमारी के नतायज को कबलज इंतखाब धांधली करार दिया। उनका कहना था कि कम गिनती करके इंतखाबात में धांधली का आगाज कर दिया गया। जलसे में गलत मर्दम शुमारी के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। आदम शुमारी और मर्दम शुमारी की बजाय ऐसा लगता है कि आदम खोरी की गई है। कराची में 1.5 करोड़ तो सिर्फ खवातीन है, मर्दों को तो गिना ही नहीं गया। हमारा मुतालबा है कि मर्दम शुमारी फिर से होनी चाहिए। मेयर कराची वसीम अख्तर की PSP पर कड़ी तनकीद, जज्बात से मगलूब वसीम अख्तर बोले, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। किसी के धमकाए में नहीं आना, फोन करते हैं बैठ के साथियों को, मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, फोन करते हैं कि आ जाओ इस तरफ वरना रास्ते से उठा के ले आएंगे। ख्वाजा इजहार बोले कि विकटे गिरानी है तो PP और PTI की गिराओ, घर की क्यों गिरा रहे हो, घर कमजोर करने की साजिश हो रही है। एक साल से सुन रहे हैं ये बात, एमकेएम की विकेट गिर गई, विकेट गिर गई, विकेट गिर गई। अगर विकटे गिरानी है तो PMLN की गिराओ, पीपल्स पार्टी की गिराओ, अपने घर की विकटे क्या गिरा रहे हो यार। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, हम सबका है ईमान, करें मिलके सब ऐलान, बनेगा ले इमरान खान ने फिर धरने का ऐलान कर दिया, कहा नवाज या जरदारी को बचाने के लिए कोई नया NRO आया तो पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा। करप्शन के दो गॉडफादर हैं, एक नवाज शरीफ और दूसरा आसिफ जरदारी। कप्तान एहतसाब बिल पर भी बरस पड़े, बोले अदलिया को कमजोर करने का कोई इकदाम कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम से करप्ट अफराद के सोशल बायकॉट की भी अपील। जब उसको करप्शन में कोई पकड़ा गया के आपने उसका सोशल बॉयकॉट करना है। मुल्क में सबके लिए कानून यकसा नहीं, शरीफ खानदान के हमेशा काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। एतजाज एहसन की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद, कहा कि मियां साहब कानून के बंद कमरे में फंस चुके हैं, वो दीवार तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सजा के खौफ से अदालत GIT समेत हर किसी को मुतनाज़े बना दिया। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, 11 शहजादों, कई बुजुर्ग और साबिक बुजुर्ग जेर हिरासत। नेशनल गार्ड के सरबरा मुत्तलिब बिन अब्दुल्ला भी गिरफ्तार। सऊदी बहरिया के सरबरा अब्दुल्ला सुल्तान भी बरतरफ, फहद बिन अब्दुल्ला बहरिया के नए सरबरा मुकर्रर। मुल्क भर में निजी परवाजों पर पाबंदी आई। अमीर तरीन सऊदी शहजादा वलीद बिन तलाल भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल। शहजादा वलीद की फॉक्स, टाइम वार्नर, एप्पल, ट्विटर और कंपनीज में सरमायाकारियां हैं। सिटी बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों के शेयर होल्डर हैं। क्या पनामा लीक्स के बाद एक भूचाल आने को है? पनामा लीक्स जारी करने वाली तंजीम का नई लीक्स लाने का ऐलान, क्या आप हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं? ICIJ का सोशल मीडिया पर पैगाम।
पंजाब के बाद सिंध में भी स्मोग ने डेरे डाल लिए। आलूदा धुंध ने जमीनी और फजाई राबिते महदूद कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हद निगाह कम होने पर शाहराहें भी बंद। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध से फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तिला शहरियों ने अस्पताल हो रही है। धुंध और स्मोग की वजह से सुबह आते और जाते ट्रैवलिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कौमी अवामी तहरीक का कराची में मोहब्बत सिंध मार्च। सिंध के काश्तकारों को तबाह किया जा रहा है। हम जरदारी की करप्शन के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। अयाज लतीफ पलीजो का खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जियाले सड़कों पर आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपील पर मुल्क भर में मुजाहिरे। इलेक्शन जम्हूरियत की बुनियाद है, मर्दुम शुमारी नहीं। इलेक्शन के ताखीरी हरबे कबूल नहीं, जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत। तमाम असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन कराए जाने चाहिए, हम भी केपी की असेंबली तोड़ देंगे। आम इंतखाबात में ताखीर हुई तो पूरी कौम नताइज भुगतेगी। आफताब शेरपाओ ने खबरदार कर दिया। कहा कि चाहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। फाटा का इंतजाम ही कबायली आवाम की मुश्किलात का हल है। आसिफ जरदारी और इमरान खान इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं, लेकिन नून लीग ऐसा नहीं होने देगी। वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान का एहतसाब अगले इलेक्शन में आवाम करेंगे। पख्तूनख्वा में क्या तब्दीली आई, जाली डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। शरीफ बरादरान के बाद चौधरी बरादरान की बारी आ गई। असासा जात रेफरेंस में चौधरी शुजात और परवेज इलाही का कल नैब लाहौर के रूबरू पेश होने का फैसला। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 2001 में तहकीकात का आगाज किया था। मुशर्रफ हुकूमत में शामिल होने पर केसेस बंद कर दिए गए। बानी एमकेएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले मुश्किल में पड़ गए। एफआईए की तफ्तीशी टीम को गैर मुल्की नंबर से फोन पर धमकियां। सरफराज मर्चेंट ने एमकेएम कायद समेत कई अफराद पर मुकदमा दर्ज करा रखा है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और नई हलकाबंदियों पर गौर। नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग की बैठक कल होगी। इजलास शाम को इस्लामाबाद में होगा। मुजफ्फरगढ़ में दरिंदगी की इंतहा। सफाक जमींदार ने कम सिन बच्ची पर कुत्ते छोड़ दिए। 7 साल बच्ची पर कपास चोरी करने का शक था। चाइल्ड राइट्स के लिए आवाज़ उठाया है और चाइल्ड राइट्स में सबसे पहले आता है एजुकेशन, अर्ली मैरिज और अर्ली एजुकेशन पे। और सबसे जो मेन फोकस था हमारा वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो कि बहुत आम है यहाँ पे। बच्चों पर तशद्दुद नामंजूर। स्वात की 14 साल तालिबा हिरा अकबर की तवाना आवाज की आलमी सतह पर गूंज। हिरा अकबर इंटरनेशनल पीस प्राइज के लिए नामजद। आजाद कश्मीर के इलाके कोटली में हाईएस्ट वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 5 मुसाफिर जाबहक, 14 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में बिजली और गैस की कीमतों और टैक्सों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। घंटाघर चौक पर पावर लूम्स मालिकान ने एहतजाजी कैंप लगा लिया। सीपैक से पाक चीन सकाफती रिश्ते मजीद मजबूत। कोयटा में चीनी जबान सीखने का रुझान बढ़ गया। जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है, और अब बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ही हमको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि वो चाइना में बिजनेस करने जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के कराची के इलाके लियाकतआबाद में जलसा आम से, जहां पार्टी सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने मर्दुम शुमारी दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने धांधली शुदा मर्दुम शुमारी को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि ऐसा लगता है मर्दुम शुमारी के बजाय आदमखोरी की गई है। 1.5 करोड़ लोगों को गिना गया और बाकी 1.5 करोड़ लोगों को लापता कर दिया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि हमारी आबादी कम करके 2018 के इलेक्शन से कबल धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि अगर मर्दमशुमारी गलत है तो हल्का बंदी कैसे सही होगी। 1 साल पहले वादा किया गया था और आज एमक्यूएम को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अगला जलसा आज के जलसे से बहुत बड़ा होगा। नहीं, आंख से आंख मिलाने की और बात करता है नाम मिटाने की। कराची की आबादी को 1.5 करोड़ गिना गया और बाकी 1.5 करोड़ आबादी को लापता कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया। हम धांधली शुदा मर्दुम शुमारी को नामंजूर करते हैं। आदम शुमारी और मर्दुम शुमारी की बजाय ऐसा लगता है कि आदम खोरी की गई है। कराची में 1.5 करोड़ तो सिर्फ खवातीन है, मर्दों को तो गिना ही नहीं गया। हमारा मुतालबा है मर्दुम शुमारी फिर से होनी चाहिए, हमारी आबादी को सही गिनकर हमें नुमाइंदगी भी दी जाए, तरक्याती फंड भी दिए जाएं, हमारे आंसू भी पहुंचे जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज तो मर्दुम शुमारी नतायज के खिलाफ था, लेकिन रहनुमाओं ने दिल का गुबार PSP पर निकाला। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले कि कारकुनान को फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि विकटें गिराने वाले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की विकटें क्यों नहीं गिराते। 22 के बाद उस सुनामी के बाद जो हम आफ्टर शॉक्स बर्दाश्त कर रहे हैं, हम नेक नियति से इस पतंग को लेके चलना चाहते हैं आगे। किसी के धमकाए में नहीं आना, फोन करते हैं बैठ के साथियों को, मेरे मुंह से अब निकल ना जाए, फोन करते हैं कि आ जाओ इस तरफ वरना रास्ते से उठा के ले आएंगे। तुमने इस पार्टी को बदनाम किया है, हम घबराने वाले नहीं हैं। एमकेएम दुश्मनी में जो कराची दुश्मनी कर रहा है, कराची वाले आज उसे यहां अपनी मौजूदगी से जवाब दे रहे हैं। 1 साल से सुन रहे हैं ये बात कि एमकेएम की विकेट गिर गई, विकेट गिर गई, विकेट गिर गई। अगर विकेट गिरानी है तो PMLN की गिराओ, पीपल्स पार्टी की गिराओ, अपने घर की विकेट क्या गिरा रहे हो यार। अरब खबर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतालिक, जिन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वाजे किया कि नवाज शरीफ या जरदारी को बचाने की कोशिश की गई या फिर कोई नया NRO आया तो वो पूरा पाकिस्तान दारुल हुकूमत में जमा करेंगे। उन्होंने एहतसाब बिल को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अदलिया को कमज़ोर करने का कोई इकदाम कामयाब नहीं होने देंगे। करप्शन के 2 गॉडफादर हैं, एक नवाज शरीफ और दूसरा आसिफ अली जरदारी। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म सिंध के अवाम पर हुआ। कि दो इस मुल्क के गॉडफादर, करप्शन के गॉडफादर, एक नवाज शरीफ गॉडफादर और दूसरा असद जरदारी गॉडफादर। शहबाज शरीफ, अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हें NRO मिल जाएगा, गलत फहमी में ना रहना, कोई NRO पाकिस्तान की कौम को अब कबूल नहीं है। मैं आपके सामने, आप सबके सामने वादा कर रहा हूं कि आप सबको लेके मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा जिस दिन किसी ने NRO देने की कोशिश की किसी बड़े डाकू को। मैं शायद खाकान अब्बासी और आपकी नून लीग को मैं आज मैं आपको सीधा सीधा पैगाम देना चाहता हूं। अब आपने कोशिश की,
नैब का कानून बनाने के लिए, ये नवाज शरीफ और जरदारी को बचाने के लिए, या आपने कोशिश की कानून बनाने की ताकि हमारी अदलिया को आप कमजोर करें? मेरा आपसे वादा है कि इस्लामाबाद में सारा पाकिस्तान पहुंचेगा। हम तब तक बैठेंगे जब तक आप ये करप्ट डोले से इस मुल्क को निजात नहीं हासिल करवाएंगे। इंसान की जान का तो पता ही किसी को नहीं होता जरदारी, कब अल्लाह तुम्हें ऊपर ले जाए? जवाब तो तुमने अल्लाह को देना है। 6 फुट की कब्र में जाना है, पैसा नहीं लेके जा सकते कब्र में। पाकिस्तानी कौम का यह फैसला कि हमने किसी भी करप्ट माफिया को, अब हमने उसको माफी नहीं देनी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो आवाम से वादे ले रहे हैं कि वो करप्ट अनासिर का समाजी बायकॉट करें, लेकिन कप्तान के खिलाड़ी करप्शन पर निकाले गए साबिक सूबाई वजीर की दावत पर मानसेरा पहुंच गए हैं। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इमरान खान का करप्ट अनासिर के बायकॉट का पैगाम शायद उनके खिलाड़ियों तक न पहुंच सका। ओबाड़ो जलसे में इमरान खान ने अवाम से अहद लिया कि वो बदउनवान अनासिर का समाजी बायकॉट करें, न उनसे हाथ मिलाएं और न उनकी शादियों में जाएं। आपने मेरे से वादा करना है कि कोई भी जब उसको करप्शन में कोई पकड़ा गया कि आपने उसका सोशल बायकॉट करना है, ना आपने कभी उसको अपने घर बुलाना है, ना आपने उसकी किसी शादी पे जाना है। लेकिन वजीर आला KPK परवेज खटक और PTI की तमाम सूबाई क्यादत ने कौमी वतन पार्टी के MPA हाजी इब्रार हुसैन के बेटे की दावत वलीमा में शिरकत की और साथ खाना भी खाया। क्या शायद कप्तान की ये नसीहतें सिर्फ अवाम के लिए थीं? नाज़रीन, अटक के लालाजार हॉकी स्टेडियम में कल तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी हैं और पुलिस ने भी सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। और अब कुछ पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतज़ाज़ अहसन ने नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नवाज शरीफ अदालत के बंद कमरे में फंस गए हैं, वो अदालत की दीवार तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान ने नैब को मजाक बना रखा है, नवाज शरीफ ने तो जमानत भी नहीं करवा रखी। उन्होंने सजा के खौफ से अदालत, JIT, अपोजिशन समेत हर एक को मुतनाज़े बनाना शुरू कर दिया है। लाहौर में तकरीब से खिताब में एतज़ाज़ अहसन ने पूछा कि नवाज शरीफ बताएं कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। आप कानून के बंद कमरे में बंद हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि दीवार तोड़ के निकलें, और आप दीवार तोड़ के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अब इस बात पे उतर आए हैं कि सारे मामले को मुतनाज़ा कर दो, अदालत को मुतनाज़ा कर दो, JIT को मुतनाज़ा कर दो। नवाज शरीफ ने जमानत भी नहीं कराई, जब चाहे बाहर लंदन चले जाए, जब चाहे आ जाए, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे भी नहीं डाला, गिरफ्तार भी नहीं किया। अगर इसाबदार ECL पे नहीं है तो आसिम हुसैन क्यों ECL पे है? मजाक बना दिया नैब का और नैब के नए चेयरमैन, और आपने जब तस्लीम कर लिया तो अब हमारे सबूत आपके और हमारे फैसले फिर से फिर दोबारा लंदन में ही हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचा हुआ है। ये सारी फिराक के खिलाफ अगर हो रही है तो बताओ कौन कर रहा है, बताओ, और कहते हैं बताओ, नाम लो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम का कहना है कि इमरान खान का एहतसाब अगले इलेक्शन में आवाम करेंगे। आसिफ जरदारी और इमरान खान इलेक्शन में ताखिर चाहते हैं, लेकिन नून लीग ऐसा नहीं होने देगी। शेरगढ़ में मर्दान में जलसा आम से खिताब में उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा में क्या तब्दीली आई है, वहां से तो मैट्रिक पास जाली डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 2018 की जनरल इलेक्शन में KPK की आवाम इमरान साहब आपका एहतसाब करके रहेंगे, क्योंकि वही ख्वाब देखने भी छोड़ दे। पीपल पार्टी के जरदारी साहब और इमरान खान साहब, जिस तरह जो कुछ कैंपेन आपने शुरू किया है कि 2018 के इंतखाबात मुलतवी हो जाए, डिले हो जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इसको डिले नहीं होने देंगे। चाहते हैं कि KPK की सरजमीन पर भी ये जाली तब्दीली वाले दफन हो जाए, खत्म हो जाए,
खैबर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में एक जाली डॉक्टर पकड़ा गया जिसका सिर्फ मैट्रिक पास